अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर में चैप्टर 8 में अल्कीन्स के रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। आज हमारे पास उसका नेक्स्ट सेकंड लेक्चर है, जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाइड्रोजिनेशन के बारे में, आज नेक्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो अल्कीन है उसका हमने रिएक्शन करवाना है ड्राई गैसियस HX, ठीक है। HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, जिसे हम अल्काइल हैलाइड बाद में इससे बनेगा HX का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स फॉर हैलोजन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड तो जो है वो तो बहुत लीस्ट रिएक्टिव होता है, इस वजह से हम जो ज़्यादातर रिएक्शन पढ़ते हैं वो आयोडाइड, ब्रोमाइड या क्लोराइड के, क्लोराइड और ब्रोमाइड के ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि आयोडाइड भी जो है वो रिएक्शन उसका स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। तो हम क्या करते हैं, अल्कीन प्लस ड्राई गैसियस HX हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्काइल हैलाइड्स बनता है। कुछ लोग इसको एल्कल हैलाइड्स भी प्रोनाउंस करते हैं, तो आप दोनों में से जो बोलना चाहें बोल सकते हैं उसको। अच्छा, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर हम देखें तो एक्स की जगह पे हमारे पास आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो हम, ये है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, ये है ब्रोमाइड और ये है क्लोराइड। अब इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो कौन है, हाइड्रोजन आयोडाइड, उसके बाद है हाइड्रोजन ब्रोमाइड और उसके बाद है हाइड्रोजन क्लोराइड। याद रखें जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो डिपेंड करेगा कि ये वाला जो बांड है हाइड्रोजन और हैलोजन के दरमियान, लाइक यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे क्लोरीन, ये बांड जितना आसानी से, जितना जल्दी ब्रेक हो जाएगा, उतनी वो हाइड्रोजन हैलाइड जो होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले जो है अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयोडाइड वाला जो बांड होता है ये आसानी से ब्रेक हो सकता है, तो इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी सबसे कम है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं जनरल रिएक्शन हमारे पास क्या है। तो जनरल रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमारे पास है अल्कीन R CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। अब जैसे कि R है यहाँ पे, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि R की जगह पे हाइड्रोजन हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, और HX की जगह पे क्या हो सकता है, कोई, इन तीनों में से कोई एक रिएजेंट हम ऐड करेंगे, एक्स की जगह पे आयोडीन या ब्रोमीन या क्लोरीन। तो जनरल रिएक्शन है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये नज़र आ रहा है, ये ब्रेक हो के किस में हो जाएगा, सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। R वैसे रहेगा, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ पे है, ये वाला H जो है वो आ जाएगा इस जगह पे, दो H पहले थे, एक और आ गया, तो क्या बन गया हमारे पास, CH3। और ये जो हैलोजन है वो एडजेसेंट कार्बन, जो साथ वाला है जहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ था, उसके पास चला जाएगा, तो हमारे पास ये एक्स जो है वो इस कार्बन के साथ आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा R CH एक्स सिंगल बॉन्ड CH3। अब उसी रिएक्शन को, ये जनरल रिएक्शन से हम क्या करते हैं, दूसरा रिएक्शन लिखते हैं, R की जगह पे हम एक H ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, CH पहले था, एक H और लगाया, तो R की जगह पे H लगाया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, एक्स की जगह पे क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो हमारे पास ये HCl बन गया। अब क्या होगा जी, हमारे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास आ जाएगा और ये वाला जो क्लोरीन है वो इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो दो हाइड्रोजन पहले थे, एक और आ गया, CH3 बन गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, पहले डबल था, ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड हुआ CH2, और ये साथ CL अटैच हो गया, तो हमारे पास CH3 CH2 CL बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास मैकेनिज्म जो है वो दो स्टेप में होता है, ठीक हो गया। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटाइन, फर्स्ट स्टेप है कार्बो कैटाइन का बनना। ये हमारे पास इथीन है, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, वो अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक हो गया। जब हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से निकाल लेगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा एक्स के ऊपर, एक्स मतलब यहाँ पे हैलोजन के ऊपर। तो हमारे पास क्या होगा, ये कार्बन अपने साथ हाइड्रोजन को अटैच कर लेगा, दो हाइड्रोजन उसके पास पहले से हैं,
ये वाले, ठीक हो गया। और जो थर्ड हाइड्रोजन है वो ये वाला आ गया, तो सी एच थ्री बन गया। अब चूंकि ये वाला जो कार्बन है उसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक हो गया, ये वाले कार्बन ने डॉट और क्रॉस वाला, डॉट वाला उसने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा और क्रॉस वाला उठा के हाइड्रोजन को दे दिया। तो अब चूंकि ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो इस वजह से जो एडजेसेंट कार्बन है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस वजह से हमारे पास ये जो स्पीशी बनी है ये कार्बोकैटाइन बना है, ठीक हो गया, प्लस एक्स नेगेटिव। जब आपने पेपर में लिखना है, ये मैंने समझाने के लिए डॉट और क्रॉस लिख दिया, ठीक है, आपने सिंपली बांड ही लिखना है, बांड कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया एक्स नेगेटिव। अब एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन निकला है, ठीक है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसके पास छोड़ के गया है, हैलोजन के पास, एक्स के पास, तो इस वजह से हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटाइन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये एक्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। यहाँ पे ये इस वक्त न्यूक्लियोफाइल है और ये वाला जो है कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब ये एक्स नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ बांड बना लेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, ठीक हो गया। कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन अटैच हैं वो वैसे रहेंगे, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन पहले से अटैच हैं वो वैसे रहेंगे, तो ये वाला एक्स जो है बेसिकली वो आके यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये इस एक्स ने क्या किया, इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो इसने इस कार्बन को दे दिया, इस वजह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और हमारे पास ये जो है ये हमारे पास कंपाउंड बन गया CH3CH2 और ये एक्स आ गया, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास सिंपल सा उसका हाइड्रोजन हैलाइड का मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो हैलाइड है इसके लिए एक रूल है, वो कौन सा है और वो कैसे फॉलो किया जाता है। तो हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड के लिए रूल है, उसका नाम है मार्कोनिकव्स रूल। मार्कोनिकव्स रूल्स में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डिफाइन देखेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। मार्कोनिकव रूल्स में है हमारे पास, इन द एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मतलब जिसके एक साइड पे ग्रुप और लगा हो, दूसरी साइड पे और ग्रुप लगा हो, डिफरेंट एटम्स का वो बना हुआ हो, लाइक हमारे पास HCl या HBr जैसे होता है। तो एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है हमारे पास और अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन कॉन्स्टिट्यूटिंग द डबल बॉन्ड विच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये बात याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखें, जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगी, तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड किया जाता है तो नेगेटिव पार्ट जो है, नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का, वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले हाइड्रोजन, वो वाले कार्बन के पास जाएगा नेगेटिव पार्ट, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन की तादाद कम होगी, लीस्ट तादाद होगी, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास मार्कोनिकव रूल की डिफाइन। अब उसकी एग्जांपल देखते हैं। तो ये है हमारे पास प्रोपीन, ये अनसिमेट्रिकल, कैसे, देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को अगर हम देखें तो इस कार्बन के साथ दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, ठीक हो गया, लेकिन इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है और एक क्या लगा हुआ है, मिथाइल है, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो एल्कीन है ये अनसिमेट्रिकल है। उसके बाद आ जाएं रिएजेंट पे, तो हमारे पास है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये वाला पोर्शन पार्शियल पॉजिटिव वाला चार्ज वाला है और ये वाला पोर्शन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला है, ठीक हो गया। अब होगा क्या, अब यहाँ पे अभी हमने डिफाइन में पढ़ा, पहले तो आप डबल बॉन्ड में देखें ना कहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे दो हैं और यहाँ पे एक है, तो इसका मतलब ये लीस्ट नंबर वाला, लीस्ट हाइड्रोजन नंबर वाला कार्बन है। अब जब ये वाला हम ऐड करेंगे तो ब्रोमीन को कहाँ पे आना चाहिए, ब्रोमीन को आना चाहिए इसके पास, और हाइड्रोजन, जाहिर सी बात है जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, CH3CH, ये वाला Br इधर आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये CH3 हो जाएगा। तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट जो है CH3CH और CH3, ठीक हो गया, ये CH और ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो गया। तो ये अगर हम इसका नाम देखें तो ये हमारे पास कार्बन 2 के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है, इसका नाम है 2 ब्रोमो, और
चेन कितने की है? प्रोपेन, ठीक है, तीन कार्बन है तो प्रोपेन। तो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो ये वाला है, ये वन ब्रोमो प्रोपेन, ये कार्बन वन, ये टू, ये थ्री, ये वन ब्रोमो प्रोपेन, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता। जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो ये बनता है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है कि ब्रोमीन अगर इस कार्बन पे आ जाता है तो ये रूल के ही ऑपोजिट हो जाएगी, बात रूल के खिलाफ हो जाएगी। तो ये वाला ब्रोमीन इधर नहीं आएगा, किधर आएगा? उस कार्बन के ऊपर आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम है, ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल जो है ये किसको फॉलो कर रही है? मार्कोनिकव रूल को। ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म्ड, एक्चुअल प्रोडक्ट ये है, और ये वाला नॉट फॉर्म्ड में आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाएं, तो ये एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास देखें कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, लेकिन इस कार्बन के साथ दोनों साइड पे क्या लगे हुए हैं? मिथाइल लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है? अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब इसमें क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड कार्बन को देखें तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? डबल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है। तो याद रखें अब नेगेटिव पोर्शन इस जगह पे आना चाहिए, ठीक है। तो इसके पास तो दो हैं, इसके पास है ही नहीं, तो इसका मतलब इस ये तो लीस्ट से भी गया गुजरा हो गया समझ लें, क्योंकि इसके पास दो हैं, इसके पास है ही नहीं। तो अब क्या होगा जी? ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब ब्रोमीन कहाँ आएगा? उस कार्बन पे आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। यहाँ पे है ही नहीं हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ब्रोमीन को इधर आना चाहिए और एडजेसेंट कार्बन के पास क्या आ जाना चाहिए? हाइड्रोजन। अब देखें ज़रा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये CH3 लिख दिया, ठीक हो गया, ये वाला CH3 लिख दिया, और ये दो हाइड्रोजन, एक ये आ गया, तो हमारे पास ये भी क्या बन गया? CH3। अब ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो ये बनता है, CH3, ये दोनों वही वाले जो लिख दिए, और ये वाला कार्बन ये लिखा हुआ है, उसके बाद ये दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, तो ये भी क्या बन गया? CH3। अब अगर नाम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2 और 3, ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है और 2 के ऊपर ही मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो एक्चुअल प्रोडक्ट जो है हमारा ये वाला होगा। अब आ जाएं दूसरी तरफ, जो प्रोडक्ट नहीं बनता वो क्या है कि ये वाला ब्रोमीन इधर लगा दिया कार्बन वन पे और ये हाइड्रोजन इधर ले आए, ठीक हो गया। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, ये प्रोडक्ट वो है जो नॉट फॉर्म की कैटेगरी में आएगा और ये वाला प्रोडक्ट वो है जो फॉर्म प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास मार्कोनिकव रूल, याद रखें ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म बताएं, और मार्कोनिकव रूल जो है वो कैसे फॉलो किया जाता है ये बताएं। ये वैसे आ जाएगा, मार्कोनिकव रूल की डिफाइन करें और एक या दो एग्जाम्पल से उसे प्रूव भी करें, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, या एमसीक्यूज में भी आता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करें तो कौन से रूल को फॉलो किया जाता है, तो एमसीक्यूज का आंसर क्या होगा? मार्कोनिकव रूल। ये शॉर्ट में अगर पूछा जाए मार्कोनिकव रूल क्या है डिफाइन विद वन एग्जांपल, तो आप डिफाइन करके वन एग्जांपल लिख देंगे, ठीक हो गया। लॉन्ग में भी आ सकता है क्वेश्चन में, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा सिंपल टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।